और अब बात करेंगे कश्मीर में टारगेट टेरर की। दो दिन, तीन मुठभेड़, सात आतंकी ढेर, टारगेट किलिंग के खिलाफ जबरदस्त अभियान, आतंकवादियों के मंसूबे फिर नाकाम, घाटी में दहशतगर्दी नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कब तक आतंकी पालता रहेगा पाकिस्तान, आखिर कब तक बंदूकों के बल पर घाटी की फिजा बिगाड़ने की नापाक साजिश रचता रहेगा पाकिस्तान, बार बार यूं ही मुंह की खाता रहेगा पाकिस्तान। कश्मीर में सुरक्षा बलों का नया मिशन है टारगेट टेरर। टारगेट किलिंग जैसे साजिश के जवाब में हर उस आतंकी को चुन चुनकर खत्म किया जा रहा है जिसका अमन और चैन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और दहशतगर्दी जिसका हथियार है। कल से लेकर आज तक कश्मीर में पुलिस और सेना ने संयुक्त अभियान चलाकर तीन मुठभेड़ में सात आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। संदेश साफ है, कश्मीर में जो आतंक के रास्ते पर चलेगा उसका खात्मा तय है। कश्मीर में सुरक्षा बलों का मिशन टारगेट टेरर। 24 घंटे में तीन मुठभेड़, सात आतंकी ढेर। कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के पाकिस्तान के मंसूबों को सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नेस्तनाबूद कर दिया है। आतंकवादियों की टारगेट किलिंग की साजिश पर पलटवार करते हुए सुरक्षा बलों ने जबरदस्त अभियान चलाया और पिछले दो दिनों में एक के बाद एक मुठभेड़ करके सात आतंकवादियों का सफाया कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सोमवार को हुई आतंकी मुठभेड़ में दो और आतंकी मारे गए हैं। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने कल भी मुठभेड़ में दो आतंकियों का खात्मा किया था। यहां 24 घंटों में चार आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। कुपवाड़ा में जो कल इनकाउंटर हुआ था जिसमें कल दिन में ही एलईटी के दो पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए थे, आज अर्ली मॉर्निंग एक और पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया, उसके साथ में एक लोकल टेररिस्ट शौकत अहमद शेख जो सोपियान डिस्ट्रिक्ट में मारा गया है, उसके अलावा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में लोकल एलईटी का एक टेररिस्ट मारा गया और कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक जैश मोहम्मद का लोकल टेररिस्ट एक एलईटी का मारा गया। उधर पुलवामा में भी सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई जिसमें एक आतंकी मारा गया है। कुलगांव में भी सुरक्षा बलों ने कल दो आतंकियों का खात्मा किया था और उनके ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की शह पर कश्मीर में टारगेट किलिंग की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, खासतौर पर आतंकियों की ओर से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा था। अभी दो दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों की घेराबंदी की और अनंतनाग और कुलगाम में पांच आतंकियों को ढेर कर दिया था। दरअसल कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में एक आतंकी शौकत अहमद शेख को गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर आतंकी ठिकानों की तलाशी शुरू की गई। इस दौरान छिपे आतंकियों ने घेरा सख्त होते देख फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा लेकिन आतंकी लगातार फायरिंग करते रहे। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई से शुरू हुई मुठभेड़ में एक एक कर दो आतंकी मार गिराए। ढेर किया गया एक आतंकी लश्करे तैयबा का पाकिस्तानी दहशतगर्द था। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आतंकी भी घिर गया था लेकिन उसने आतंकी ठिकाने पर पहुंचकर साथियों के साथ फायरिंग शुरू कर दी थी। हालांकि सोमवार सुबह सुरक्षा बलों ने दो और आतंकियों को मार गिराया जिनमें आतंकी शौकत अहमद शेख भी शामिल है। टोटल अभी तक में सात टेररिस्ट मारे गए जिसमें तीन एफटी पाकिस्तानी और चार लोकल टेररिस्ट है। कुपवाड़ा पुलवामा में इनकाउंटर कम्प्लीट हो गया है और कुलगांव में अभी सर्च जारी है। आतंकवादी लगातार घाटी का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टारगेट किलिंग इसी साजिश का एक बड़ा हिस्सा है लेकिन सुरक्षा बल पाकिस्तान प्रायोजित इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। कई मोर्चों पर सुरक्षा बलों ने अपना जाल बिछाया है।
ताकि दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। अभी हाल ही में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान जम्मू के स्कूल की एक शिक्षक रजनीबाला की हत्या करने वाले दो आतंकवादियों को मार गिराया था। इससे न सिर्फ कश्मीर में आतंकवाद की मदद करने वाले स्थानीय दहशतगर्दों की कमर टूटी है, बल्कि पड़ोसी के नापाक मंसूबों को भी करारा झटका लगा है। आज तक ब्यूरो। तो घाटी में चुन चुनकर आतंकवादियों का खत्म किया जा रहा है, उनका खात्मा किया जा रहा है। लेकिन जल्दी से आपको उन बड़ी घटनाओं के बारे में बता देते हैं, बीते दिनों में हुए, जिससे दहल गए कश्मीरी पंडित। आपके सामने तीन घटनाएं। 12 मई को बड़गांव में आतंकवादियों ने राहुल भट्ट को निशाना बनाया था, राहुल भट्ट को टारगेट किया था, उन पर आतंकवादियों ने हमला किया था। 12 तारीख की ये बात है। राजस्व विभाग में लंबे समय से राहुल काम कर रहे थे, आराम से अपना काम कर रहे थे, लेकिन आतंकवादियों ने राहुल भट्ट को टारगेट किया, उन पर हमला किया और राहुल भट्ट की उन्होंने हत्या कर दी। उसके बाद 31 मई को दूसरी घटना होती है। कुलगाम में आतंकवादियों ने महिला टीचर रजनीबाला को गोली मार दी। फायरिंग के फौरन बाद उन्हें अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन रजनीबाला को बचाया नहीं जा सका। वो सांबा की रहने वाले थी रजनीबाला। उनकी मौत के बाद से कश्मीरी पंडित और ज्यादा दहल गए। तीसरी घटना कब होती है? 2 जून को, जब आतंकियों ने कुलगाम में एक बैंक मैनेजर पर फायरिंग कर दी। बैंक मैनेजर पर फायरिंग भी, जो कि राजस्थान के मूल निवासी विजय कुलगाम के मोहनपोरा में तैनात थे, लेकिन उन पर हमला हुआ। फायरिंग में विजय कुमार की मौत हो गई। इन घटनाओं के बाद से कश्मीरी पंडित दहल उठे। उसके बाद से पलायन की तस्वीरें भी सामने आने लगी। कश्मीर घाटी में साल 2022 में सुरक्षा बल अब आतंकवादियों पर काल बनकर टूटे हैं। हर मोर्चे पर आतंकी साजिश की कमर तोड़ी जा रही है। इन 6 महीनों में घाटी में सुरक्षा बलों की कामयाबी के बारे में बता रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता अशरफ वानी। उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर तक पिछले 18 घंटे के दौरान 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 7 मिलिटेंट मारे गए हैं। कल दिन में कुपवाड़ा के लोलाब जंगलों में एक मुठभेड़ शुरू हुई थी, जहां पर सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिए एक आतंकी को लिया था और वहां पर हाइडआउट से फायरिंग हुई, जो मुठभेड़ में बदल गई। वहां पर आज सुबह तक 4 लश्कर तैयबा के मिलिटेंट मारे गए हैं। दूसरी मुठभेड़ कल ही दिन में कुलगाम जिले में शुरू हुई थी, दमहाल हांजीपोरा इलाके में। वहां पर भी जैश मोहम्मद के 2 आतंकी मारे गए, जबकि बीती रात पुलवामा जिले के इलाके में जो है मुठभेड़ हुई है, वहां पर 1 मिलिटेंट मारा गया है। इस हफ्ते की बात करें तो इन जून के 20 दिनों के दौरान सुरक्षा बलों ने अलग अलग ऑपरेशनों में 14 मिलिटेंट मार गिराए हैं और उनमें 3 वो भी आतंकी शामिल हैं जो टारगेटेड किलिंग्स में मुलविस थे। सुरक्षा बलों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान लगातार जो है ऑपरेशंस में तेजी लाई जा रही है और ये आगे भी जारी रहेगी। अगर इस साल 2022 की बात करें, 6 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन अभी तक सुरक्षा बलों ने 114 आतंकी जो है अलग अलग मुठभेड़ों में मारे हैं, जिनमें 32 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कितना ही झूठ बोलता रहे, लेकिन कश्मीर में हर कुछ दिन के बाद उसकी साजिश का भंडाफोड़ होता जाए। इस बार भी कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी का सीधा सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से निकला है। लश्कर ए तैयबा से जुड़े इस आतंकी के बारे में जांच एजेंसियां और भी जानकारियां जुटा रहे हैं और साथ ही कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों का साथ देने वालों पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। इस साल 6 महीने में 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा, 32 आतंकियों का निकला पाकिस्तानी कनेक्शन। कश्मीर घाटी की फिजा को खराब करने में जुटे पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश करीब करीब हर हफ्ते हो रहा है। इस साल के 6 महीनों में सुरक्षा बलों ने जितने आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है, उनमें से 30% से ज्यादा पाकिस्तानी थे। पिछले 2 दिन में घाटी में मारे गए कई आतंकियों की पहचान लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के तौर पर हुई, जिनमें से 1 पाकिस्तानी भी है। तो क्या लश्कर ने साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए ही अपना आतंकी कश्मीर घाटी में भेजा था? तो सवाल उठता है कि घाटी में आतंकी वारदात के पीछे पाकिस्तानी आकाओं का हाथ? क्या कश्मीर घाटी में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर हो रहा है? क्या है साजिश का लाहौर कनेक्शन? यानी पिछले दिनों जो कुछ भी कश्मीर घाटी में हुआ, चाहे वो कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हो या फिर आतंकियों की घुसपैठ कराने की वारदात हो,
क्या इसकी साजिश लाहौर में रची गई है? पुलिस और सेना मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगी है। दरअसल कुपवाड़ा, कुलगाम और पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में कई दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया गया। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी शुरू की। खुद के घिरने के बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। वैसे पिछले 15 दिन से भारतीय सुरक्षा बलों की तेज कदम ताल ने एक बार फिर कश्मीर के भीतर आतंकियों की सांसें फुला दी हैं। 4 जून को अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर HM निसार खांडे को मार गिराया था। जाहिर है आतंकियों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बल के ताबड़तोड़ ऑपरेशन उनका दम निकालने के लिए काफी है, लेकिन फिलहाल भारतीय सुरक्षा बल के आला अफसर लाहौर साजिश का सिरा ढूंढने में लगे हैं ताकि उसे जड़ से उखाड़ा जा सके। आश्रव वाणी के साथ आज तक ब्यूरो।